तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की स्टेटमेंट सिंपल ये लिखी हुई है कि कोई भी अगर मान लो मोमेंट इनर्शिया किसी भी एक्सिस का ए बी है और आपको सी डी या सी डी है और आपको ए बी का निकालना है, तो ए बी का मोमेंट इनर्शिया इज इक्वल टू सी डी का प्लस टोटल मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट में लिख देना आपने एज इट इज। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि ये थ्योरम को लगाते कैसे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप लिख सकते हैं क्योंकि आपके असाइनमेंट में हैंड में लिखा नहीं हुआ ऐसा कुछ भी, तो लिख सकते हैं प्लीज कॉपी के ऊपर। तो जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सपोज देयर इज अ रिंग, मान लो एक रिंग है, एक रिंग जो एक रिंग है, एक रिंग का एक्सिस अगर सेंटर से पास करे तो बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। सही है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्वेश्चन है कि मेरे को एक्सिस ये गिवन है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इस एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो क्या आंसर होगा? को मोमेंट इनर्शिया निकालना है इस नए एक्सिस का, एक काम करते हैं आप ये बताओ कि इन दोनों एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, और ये एक्सिस किसके अबाउट पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास में से, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि इसके अबाउट आंसर एम आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, जो इसका आई था वो तो होगा ही होगा, प्लस टोटल बॉडी का मास एम और इंटू एच क्या है इसमें, आर। तो आंसर क्या आएगा, टू एम आर स्क्वायर। तो आंसर आएगा टू एम आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इस एक्सिस का तो कैसे निकालना है? ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, अब आंसर दो। सपोज करो क्वेश्चन सेम है, फिर से एक बार रिंग है, तो मैंने एक बार फिर से रिंग ही कंसिडर की। सपोज ये एक रिंग है और ये एक्सिस है रिंग का, ये रिंग है, रिंग के इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है यहां तक? तो ये रिंग का सेंट्रल एक्सिस है। ठीक, क्वेश्चन है कि मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, ये भी तो टेंजेंट है, टेंजेंट दो किस्म के होते हैं ना, तो पहला जो टेंजेंट है, पहला टेंजेंट ऐसा था रिंग के, अब टेंजेंट ऐसा है, नहीं सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो इसके अबाउट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। पहली बात ये, अब क्वेश्चन कैसा चल रहा है जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये रिंग है और मेरे को आई किसके अबाउट, पहले क्वेश्चन ये था कि ये मेरा सेंट्रल एक्सिस है, मुझे आई यहां निकालना था, बात खत्म, पैरेलल एक्सिस है। अभी क्या है, ये गिवन है एम आर स्क्वायर पर एक्सिस ये है, इसके अबाउट है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगी, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस एक पॉइंट से पास ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये थ्योरम कब लगती है, जब तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास करते हैं, एक पॉइंट से पास ही नहीं कर रहे, तो बिल्कुल भी मत सोचना कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगी। पहला पॉइंट क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस रिंग के डायामीटर के अबाउट आप मुझे आई बता सकते हो, क्या होगा? आज हमने शॉर्टकट नहीं किया था, आज क्लास में जब हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कर रहे थे तो क्या किया था,
कि अगर अगर रिंग का मोमेंट अंशा एम आर स्क्वायर है तो डायमीटर में हाफ कर दो, तो कितना, हाफ एम आर स्क्वायर किया था ना। तो आप ऐसा ही करो, आप इमेजिन करो कि ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है जिसके अबाउट इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ एम आर। अब सोचो, क्वेश्चन ईजी हो गया। ये डायमीटर है, ये डायमीटर है और ये एक्सिस इसके पैरेलल है। अब आप लगा सकते हो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, समझ में आ रहा है। तो इसके अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर और दोनों एक्सिस में दूरी कितनी है, आर। तो आंसर क्या आएगा, इनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो हाफ एम आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना आ गया, 3/2 एम आर स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? अगर टेंजेंट एक्सिस ऐसा होगा तो कैसे सोचना है, और अगर ऐसा होगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसके अबाउट तो सीधा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इसके अबाउट डायमीटर के पैरेलल ये टेंजेंट है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक। अब होगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, हो सकता है स्कूल के अंदर भी क्वेश्चन आए। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स टेंजेंट, बस आप ये पूछेंगे कौन सा टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट कि ये वाला टेंजेंट। तो बाय डिफॉल्ट ये वाला टेंजेंट होता है, जब कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ टेंजेंट वर्ड लिखा हुआ है, तो आपने जो टेंजेंट लेना है वो आपने ये टेंजेंट नहीं लेना। अगर ये टेंजेंट तब लेना है जब वो बोलेगा टेंजेंट इस बॉडी के साथ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नहीं। अगर कुछ नहीं मेंशन तो आपने यही टेंजेंट लेना है। तो आंसर क्या लेंगे, 3/2 एम आर, तब आंसर सही आएगा। एक्चुअल में टेंजेंट ये माना जाता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, सपोज करो नेक्स्ट आपके पास मान लो इस बार डिस्क है, ठीक। सपोज डिस्क है, डिस्क के इस एक्सिस पे, जो डिस्क है उसके सेंट्रल एक्सिस पे आई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है यहां तक? आपको डिस्क के इस एक्सिस के अबाउट आई बताने क्या होगा, पहला क्वेश्चन है। कितना, क्योंकि इनमें जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आर। और कौन सी थ्योरम लगेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो आंसर क्या आएगा, 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना आएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? सही है। तो सीधा पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगेगी, समझ में आ रहा है? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, सपोज करो फिर से आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, फिर से आपके पास एक डिस्क है। इस डिस्क का इस एक्सिस में तो मुझे पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को क्या गिवन है क्वेश्चन में, मुझे निकालना है कि इस डिस्क का एक्सिस ये है, ये जो डिस्क है ये एक्सिस है। तो इसका आंसर क्या होगा, आए बोलो क्या होगा, आए टेंजेंट एक्सिस, हाँ। तो आपको डिस्क का क्या ढूंढना है, पहले डायमीटर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे क्या होता था, हाफ एम आर स्क्वायर। तो डायमीटर में क्या हो जाएगा, डायमीटर में 1/4 एम आर स्क्वायर। तो इनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना आएगा, 5/ तो मतलब आप ना याद नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन के अंदर ही नए एक्सिस पे बनाना पड़ेगा। तो आपको ये थ्योरम, दो थ्योरम यूज करनी आनी ही चाहिए, और आसान भी तो है, मुश्किल है भी नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मेंस में, नीट में तो एक एक क्वेश्चन आता ही है आई निकालने का, फिगर देंगे आपको आई निकालने को देंगे, ठीक है यहां तक? अच्छा, सपोज क्वेश्चन इज कि आपको उसने एक स्फेयर दिया, ठीक है, एक सॉलिड स्फेयर दे दिया। इस सॉलिड स्फेयर का जो एक्सिस है, ये एक्सिस दिया, इस एक्सिस पे फॉर्मूला क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर। आपको आई कहाँ निकालना है, आपको आई निकालना है इस टेंजेंट के अबाउट निकालना है, या निकालना है, तो बोलो क्या होगा, इनके बीच में डिस्टेंस आर है,
तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना 7/5 एम आर स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ये तो याद करना पड़ेगा ना, स्क्वायर का आई तो याद करना पड़ेगा, 2/5 एम आर स्क्वायर एक तो याद ही करना पड़ेगा। लो फिर नेक्स्ट देखो, सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है थिन रॉड। अब थिन रॉड क्या होती है? पतली रॉड होती है। पतली रॉड कैसी होती है? इसकी थिकनेस नहीं होती, बस लंबाई लंबाई है, जैसे सर का बाल है ना, इतनी पतली है सोचो, मतलब थिकनेस है ही नहीं, बस लेंथ ही लेंथ है। वो ठीक है, वो मोटी है, पर अदरवाइज बिल्कुल पतली रॉड है, राइट? क्लियर है? तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी लेंथ, सही है? अब अगर मान लो एक्सिस कहां से पास करता है, अगर एक्सिस सेंटर से पास करता है, बोलो फॉर्मूला क्या है? मास m ml स्क्वायर बाय 12, ये तो याद ही करना पड़ेगा ना। अच्छा क्वेश्चन है, आई निकालना है इसके अबाउट, अगर रॉड क्या है टेंजेंट, आई क्या होगा, आई क्या होगा? ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी। बस ये बता दो कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या लेना है, एल बाय टू, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है एल, तो एल बाय टू। तो क्या बनेगा आंसर? एम एल स्क्वायर बाय 12 तो बनेगा ही बनेगा, एम इंटू एल बाय टू का होल, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, एम एल स्क्वायर बाय, ये तो याद कर लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होने वाला है। तो टेंजेंट एक्सिस रॉड का अगर टेंजेंट एक्सिस है तो आंसर क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाय 3, इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसका आंसर दो, अगर सपोज करो ये रॉड है, थिन रॉड है, प्लीज इधर देखो, प्लीज फिर से एक बार, थिन रॉड है, ठीक है, रादर ऐसे की जगह ना मैं डायग्राम चेंज करता हूँ। सपोज ये थिन रॉड है और लेट अस सपोज ये ग्राउंड पे पड़ी हुई है, ग्राउंड है ये, ठीक है, ग्राउंड है, किसी ने यहां से पकड़ के से हिंज कर दिया, हिंज करने का मतलब कि यहां पर नट वाला लगा दिया। अब अगर रॉड नीचे गिरती है, मान लो गिर जाती है, इसका ये हिस्सा हिलेगा नहीं, खड़ी खड़ी नीचे गिर जाएगी, या इधर, पर ये हिस्सा नहीं हिलेगा, ये हिंज्ड हो गया, कर दिया। तो आपको ये बताना है कि ये जो ओ पॉइंट है, मान लो कोई एक्सिस बीच में से पास कर रहा है रॉड के, ये रहा बोर्ड के अंदर, उसके अबाउट आई क्या होगा? मतलब अगर कोई एक्सिस ऐसे है, ये रहा, क्योंकि एक्सिस ऐसे ही बनेगा ना, अगर रॉड घूमेगी तो एक्सिस सेंटर से पास करेगा, तो आई क्या होगा उसका? चले अगर ये रॉड इधर या इधर गिरेगी तो एक्सिस सेंटर से ऐसे पास करेगा, तो आई क्या होगा इसके अबाउट? आई निकालो, और रॉड का आपको पता ही है कि सेंटर के अबाउट आई क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12, तो इसके अबाउट निकालना है क्या होगा।
एम एल स्क्वायर बाई थ्री सही है, सेम रहेगा। देखो सपोज करो आपके पास एक रॉड है, ध्यान आगे ये थिन रॉड है। मैंने आपसे इससे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर ये थिन रॉड है और आपका जो एक्सिस है, आपका जो एक्सिस है वो ऐसा है, ये रहा तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, और अगर ऐसा है तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री। पेंसिल के लॉन्ग के एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ये शॉर्टकट कभी किया था ना, हाँ कि ना। अगर मैंने इस फिगर को ऐसे दिखाया तो भी आंसर विल रिमेन सेम, एल स्क्वायर बाई थ्री। अच्छा अगर मैंने फिगर को ऐसे दिखा दिया जैसे कि इसमें दिखा रखा है तो भी आंसर विल रिमेन, तो आपकी फिगर ऐसी है, रॉड ऐसी है, ये रही आपकी रॉड, इसके अबाउट क्या है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, इसके अबाउट क्या होगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री, पैरल एक्सिस थ्योरम। तो रॉड ऐसे गिर रही थी, एक्सिस ये रहा बाहर की तरफ, देखो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व ऐसे, और ये इसके पैरल एक्सिस एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो यानी कि इसके अबाउट भी आंसर सेम रहेगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री। ठीक है, तो रॉड के दो ही रिजल्ट हैं, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व या एम एल स्क्वायर बाई थ्री, मैंने बता दिया इसमें, तो याद रहेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे रोटेशन में कि रॉड नीचे गिर गई, हिंज्ड है, रॉड नीचे गिर गई, तो एक्सिस के अबाउट आई जो लेना होगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री लेना होगा। ठीक है यहां तक। अच्छा सपोज करो एक थिन रॉड है, फिर से एक बार, ये एक थिन रॉड है, राइट, थिन रॉड है। थिन रॉड कैसे घुमानी है जरा ध्यान से देखना। ये थिन रॉड है जिसका मास m और लेंथ l है, मान लो एक्सिस इसी में से पास कर रहा है, जो एक्सिस है वो भी इसी के अंदर से पास कर रहा है, तो रॉड ऐसे घूम रही है इसके अबाउट, इसका एक्सिस है, आई क्या होगा, जीरो, कुछ भी नहीं होगा। अब कैसे नहीं, कैसे जीरो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रॉड बहुत पतली है, रॉड बहुत पतली है, रॉड पतली का मतलब समझते हो, रॉड पतली का मतलब है मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी लेंथ। तो जैसे ये पहला मास है m1, दूसरा मास है इसके ऊपर m2, तीसरा मास है m3, चौथा मास है m4 एंड सो ऑन, ऐसे ही है। अब अगर एक्सिस भी इसी में से पास कर रहे तो ये तो खुद एक्सिस के ऊपर ही जाके बैठे हुए हैं, तो एक्सिस से इनकी दूरी क्या है, जीरो, पॉइंट मास है, थिकनेस तो है ही नहीं, मोटी रॉड होती फिर डिस्टेंस आता, लेंथ एक्सिस के ऊपर ही जाके बैठ गए तो डिस्टेंस जीरो, तो आई की वैल्यू क्या होगी इसके अबाउट, जीरो। ठीक हो गया, इस पूरे क्वेश्चन में घूम कोई नहीं रहा, अभी हम घुमा तो रही नहीं है, अगर ऐसा घुमाया जाए तो आई क्या होगा, अगर ऐसा घुमाएंगे तो क्या होगा, अगर अगर ऐसे घुमाएंगे तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व होगा, अगर ये टेंजेंट एक्सिस रखेंगे, इसका कोना रखेंगे और रॉड को ऐसे घुमाएंगे तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री होगी, अगर रॉड को ऐसे घुमाएंगे तो कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, ऐसे है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर घुमा क्यों नहीं रहे, हम घुमाने की तैयारियां कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में चीजें जब घूमेंगी ना तो फिर ये नहीं सीखेंगे ना, अब आई बताओ क्या होगा, फिर सीधा रिजल्ट लगाएंगे, देखो रॉड ऐसे गिर गई एम एल स्क्वायर बाई थ्री, रॉड ऐसे घूम गई एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, फिर क्वेश्चन, अगर यही करते रहेंगे फिर चीज कैसे घुमाएंगे, तो पहले आई डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद आगे काम करेंगे, अभी अगर अगर करे जा रहे हैं क्योंकि फिर ये एक या दो लेक्चर के बाद सच में चीजें घूमेंगी, बस उस दिन ठीक हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन करके दिखाना जरा, मान लो आपके पास तीन थिन रॉड्स हैं इकट्ठी, तीन थिन रॉड्स हैं, हर का मास m है और लेंथ l है, और क्वेश्चन है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अगर कोई एक्सिस इसमें से पास करता है और पूरा सिस्टम ऐसे घूमता है, अगर घूमे तो क्या होगा, ये तीन रॉड्स चिपकी हुई हैं ऐसे h की फॉर्म में और पूरा का पूरा h घूम रहे इस एक्सिस के अबाउट, तो आपको आई बताना है टोटल क्या होगा, मतलब बेसिकली ये तीन रॉड्स हैं, पहले आप फर्स्ट रॉड का आई निकालेंगे, सेकंड रॉड का इस एक्सिस पे आई निकालेंगे, थर्ड रॉड का इस एक्सिस पे आई निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और आंसर आएगा, शुक्र करो आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है,
डायरेक्शन ही देखनी पड़ेगी, ऐड ही करना पड़ता है, डायरेक्शन तो देखनी नहीं है, इसका आए लो, इसका आए लो, इसका आए लो, ऐड कर दो। तो निकाल लो तीन डॉट्स का आए इस ब्लू एक्सिस पे निकालो। देखो एक एक करके आंसर देना प्लीज, एक एक रॉड लेंगे, ध्यान आगे प्लीज। फर्स्ट रॉड, ये रॉड नंबर वन है, बोलो रॉड नंबर वन का कंट्रीब्यूशन इस एक्सिस पे क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एक्सिस बिल्कुल रॉड के बीच में से पास कर रहा है, तो चलो जीरो हो गया, डन, एक रॉड का काम खत्म। रॉड नंबर टू, अब रॉड नंबर टू देखनी तो वन और थ्री नहीं देखनी, रॉड नंबर टू के लिए एक्सिस क्या है? टेंजेंट। तो बोलो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? एम एल स्क्वायर बाय थ्री, आज हमने किया, तो चलो सेकंड रॉड का कंट्रीब्यूशन एम एल स्क्वायर बाय थ्री, डन हो गया। तीसरी रॉड क्या कंट्रीब्यूट करेगी? तीसरी रॉड ये कहता, हाँ पैरेलल थ्योरम लगेगी। तो तीसरी रॉड के अकॉर्डिंगली अगर तीसरी रॉड का एक्सिस ये होता, अगर ये होता तो इसका कंट्रीब्यूशन अपने एक्सिस पे क्या होता? जीरो होता, बात खत्म। पर मुझे क्या लगाना है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मैंने इस रॉड को कहा कि आए निकाल इसके अबाउट, ये अपना निकालने बैठ गई, पूछा किसने इसके अबाउट, तो क्या करना पड़ेगा? इस एक्सिस को शिफ्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि अगर इसके अबाउट आए पता है और इसके अबाउट निकालना है और इनके बीच में डिस्टेंस कितने है एल, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंगली जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट है प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दो एक्सेस हैं, दोनों पैरेलल हैं, ये दो एक्सेस हैं, दोनों पैरेलल हैं। तो फर्स्ट रॉड का कंट्रीब्यूशन जीरो क्लियर है, सेकंड रॉड के लिए टेंजेंट क्लियर है, तीसरे रॉड के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस लगानी है। पैरेलल एक्सेस में एक एक्सेस के अबाउट आई पता होना चाहिए तभी दूसरे का निकलेगा, तो इसने खुद का निकाल दिया, खुद का कितने है? जीरो, जीरो। और एक्सिस, दोनों एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने है? एल। तो थ्योरम क्या कहती है कि जीरो तो होगा ही होगा प्लस एम एल स्क्वायर, तो ऐड करेंगे टोटल तो क्या आएगा? फोर बाय थ्री एम एल स्क्वायर। क्वेश्चन का आंसर देना, सपोज आपके पास चार स्फीयर्स हैं, एक दो तीन चार, चार स्फीयर्स हैं सच दैट इनके सेंटर्स के बीच में, जो इनका सेंटर है उनके बीच में सेंटर बाय सेंटर का डिस्टेंस ए है, इनके सेंटर्स में डिस्टेंस कितना है? ए है, ठीक है यहां तक ए ए। हर स्फीयर का मास, स्फीयर का जो मास है एम है और रेडियस आर है हर स्फीयर का, मेरे को आई की वैल्यू निकालनी है इस एक्सिस के अबाउट, चारों स्फीयर्स का कंट्रीब्यूशन रेड एक्सिस पे निकालो क्या होगा? ये मेरा फाइनल एक्सिस है, तो एक एक करके करना, पहले एक स्फीयर का कंट्रीब्यूशन इस एक्सिस पे, दूसरे स्फीयर का कंट्रीब्यूशन इस एक्सिस पे, फिर तीसरे का और फिर चौथे का, ऐड करो करो।
अच्छा साथ साथ आंसर देना है इसका, प्लीज क्या सोच रहे हो देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, फेयर नंबर वन, इस फेयर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इस रेड एक्सिस पे, क्या आंसर होगा? जीरो नहीं, रॉड का जीरो होता है, फेयर है। सॉलिड फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, आई का 2/5। तो क्या ये एक्सिस इसके बीच में से पास कर रहा है? कर रहा है। तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 2/5? कुछ भी नहीं यार, बाकी फिगर को छोड़ दो, ये एक स्फीयर है, एक्सिस के बीच में से पास कर गया, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बोलो कितना, 2/5 mr², कोई डाउट इसमें? अच्छा सेकंड, ये स्फीयर, ये स्फीयर का एक्सिस भी इसके सेंटर में से पास कर रहा है, तो ये क्या कहेगा, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी कितना है 2/5 mr², कोई डाउट इसमें? क्लियर हो गया, दो क्लियर हो गया। तीसरा, ये स्फीयर, इस स्फीयर का बोलो क्या होगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो बोलो क्या लगेगा, 2/5 mr² प्लस ma², ओके। फिर से एक बार, मैंने ये कहा कि आप इमेजिन करो कि एक्सिस यहां से पास कर रहा है, क्योंकि आपको इसके अबाउट फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कितना 2/5, पर इसके अबाउट पूछा किसने, हमने कॉन्ट्रीब्यूशन तो नीचे पूछा है, तो ये स्फीयर क्या कहेगा कि देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में पैरेलल है, आपको इस एक्सिस को यहां पे शिफ्ट करना है, तो क्या आंसर होगा 2/5 mr² तो होगा ही होगा, साथ में ma² क्या करना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, सही है। ऐसी लास्ट स्फीयर भी सेम आंसर देगा, 2/5 mr² तो इसके एक्सिस पे होगा ही होगा, साथ में पैरेलल एक्सिस की वजह से क्या आ जाएगा, ma², कोई डाउट इसमें? ये आपका फाइनल आंसर होगा।